तो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक इन माई न्यू वीडियो। सो गाइज आज के इस वीडियो में मैं जो आप लोगों को सिखाने वाला हूँ वो है, पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि आप एक यूट्यूब चैनल कैसे प्रोफेशनल तरीके से बना सकते हो, ऑफिशियली कैसे आप यूट्यूब चैनल बना सकते हो, वो भी अपने यूट्यूब के होम मतलब मेन एप्लीकेशन से अपने मोबाइल पे। सो गाइज अगर आपको वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा, आपके पास अभी तक कोई चैनल नहीं है, तो गाइज लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगा, जाइए और जाके उस वीडियो को देख के चैनल अपना एक ज़रूर बना लीजिए गाइज। सो गाइज आज के वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप अपने उस चैनल को जो है क्रोम ब्राउज़र में वेरीफाई कैसे कर सकते हो। मतलब आपको तो वेरीफाई यूट्यूब चैनल करना होगा, वरना आप जो है थंबनेल नहीं लगा सकते, बाकी बहुत कुछ हैं जो कि आप नहीं कर सकते, सेटिंग्स वगैरह आप नहीं कर सकते, 15 मिनट के ऊपर वीडियोस अपलोड नहीं कर सकते, और अगर आपका चैनल वेरीफाई नहीं होगा तो आपका चैनल मोनेटाइज भी नहीं होगा, आप यूट्यूब से कोई भी पैसा नहीं कमा पाओगे, है ना। आपका व्यूज़ आते रहेंगे लेकिन आपको पैसा नहीं मिलेगा, तो ऐसा तो आपको नहीं चाहिए ना। आपको तो चाहिए कि मैं यूट्यूब पे व्यूज़ आए मेरे वीडियोज़ पे और मुझे पैसा मिले, क्योंकि मैं हज़ारों में वीडियोज़ अपलोड कर दूंगा लेकिन मुझे कुछ उससे रेवेन्यू में नहीं मिलेगा, ऐसा तो कोई नहीं चाहता, है ना। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वहीं सिखाऊंगा कि आप इसको कैसे कर सकते हो, और ज़रूर कर लेना, लेकिन इसके पहले आपके पास चैनल भी तो होना चाहिए ना गाइस। तो चैनल बनाने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है वीडियो का, जाके ज़रूर देख लो और उस पूरे ट्रिक को, फुल ट्रिक को फॉलो करके अपना एक यूट्यूब चैनल फर्स्ट बना लो, उसके बाद इस वीडियो को देखो, फिर आप चैनल को वेरीफाई कर लेना, है ना। तो चलिए अभी आपको दिखाता है कि किस तरीके से आप YouTube चैनल को वेरीफाई कर सकते हैं, और YT Studio एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लेना, क्योंकि इससे जो करना होगा ना आप सब कुछ चेकआउट यहाँ से कर सकते हो। और बाय द वे गाइस, ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, आपको पता है मैं कोई प्रमोशन नहीं करता, है ना। तो गाइस सबसे पहले इसके लिए आपको जो करना होगा, आपको अपने YouTube चैनल आपका जिस ईमेल अकाउंट से आपने YouTube चैनल बनाया है उस ईमेल अकाउंट को आपको यूट्यूब पे लॉगिन करना है। आपने चैनल बनाया तो लॉगिन होगा, है ना। उसके बाद आपको जो करना है वो देख लीजिए। तो गाइस सबसे पहले उसके बाद आपको आना है क्रोम ब्राउज़र में। क्रोम ब्राउज़र में आने के बाद आपको जो है थ्री डॉट पे क्लिक करके डेस्कटॉप साइट पे ओपन कर लेना है अपना क्रोम ब्राउज़र, है ना। उसके बाद आपको सर्च जो करना है वो है studio.youtube.com। ऊपर आप देख सकते हो मैंने सर्च कर रखा है, ये आपको क्रोम ब्राउज़र में सर्च करके आपको सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च करोगे, गो करोगे, आपको यूट्यूब चैनल का ही ऑफिशियल पेज में लेके आ जाएगा क्रोम ब्राउज़र में, जो कि डेस्कटॉप साइट पे ओपन होगा। अब इसके बाद आपको थोड़ा सा ये जूम इन करना है, अपने चैनल का लोगो ऊपर साइड की ओर दिख रहा होगा, आपको क्लिक करना है उस लोगो पे। जैसे क्लिक करोगे उसके बाद आपको अपने जिस ईमेल अकाउंट से मतलब चैनल बनाया है ना उस ईमेल अकाउंट से, जैसे कि ये मेरा देख सकते हो बेस्ट टेक विद टेक्नोलॉजी मेरा मेन चैनल है, लेकिन मैं आपको एक डमी चैनल क्रिएट करके दिखा रहा हूँ, तो इसलिए उस चैनल को मतलब ये चैनल मेरा पहले से वेरीफाई है, आपको पता है, तो मैं उस चैनल को वेरीफाई करके आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे स्विच अकाउंट पे जाना है। स्विच अकाउंट पे जाने के बाद जिस चैनल पे आपका मतलब जिस ईमेल पे आपका चैनल है उस ईमेल को यहाँ से लॉगिन कर लेना है, ठीक है ना। जैसे ही आप लोग लॉगिन करोगे आपको डायरेक्टली यहाँ पे जो है मतलब रिडायरेक्ट हो जाएगा YouTube के ऑफिशियल इस पेज में। आपको थोड़ा सा लोड लेना होगा, और अगर आपके पास स्टूडियो एप्लीकेशन है तो गेट दी ऐप दिखेगा, लेकिन आपको ऐप पे नहीं जाना है, आपको कंटिन्यू टू स्टूडियो नीचे की ओर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे आपके ऊपर थोड़ा सा लोड लेगा, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो आपका जो नया चैनल पे है वेलकम टू यूट्यूब स्टूडियो लिख के आ गया। अब आपको यहाँ पर से जो है कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे आपके पास ये ओपन हो के आ जाएगा। अभी आपने तो मैंने कोई इसमें वीडियो अपलोड नहीं किया तो देख सकते हो सब कुछ जीरो है। तो अभी पहले तो हमें इसको वेरीफाई करना है ना, उसके बाद तो वीडियो मैं अपलोड करूँगा, वरना क्या फ़ायदा, है ना। तो जूम इन करके थोड़ा सा नीचे की ओर आऊँगा मैं, यहाँ पे सेटिंग का एक ऑप्शन आपको मिल रहा होगा सेटिंग का, तो सेटिंग पे क्लिक करेंगे, उसके बाद जूम आउट कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे सेटिंग ओपन होके आ जाएगा। अब मुझे यहाँ पर से देख सकते हो जनरल चैनल वगैरह सब कुछ यहाँ पे दिख रहा होगा। चैनल पे आने के बाद मुझे यहाँ पे जाना है एडवांस सेटिंग पे। तो जैसे ही मैं एडवांस सेटिंग पे आऊँगा आप यहाँ पढ़ सकते हो क्या क्या लिखा हुआ है, इन सब को मैं चाहूँ तो टिक कर सकता हूँ, चाहूँ तो नहीं टिक कर सकता हूँ। यहाँ पर आपको नो ये सब कुछ कर देना है। उसके बाद आपको जो करना है फीचर एलिजिबिलिटी में आना है। उसके बाद यहाँ पे पहला फीचर तो आपका ऑन होगा, क्योंकि आपने चैनल बनाया तो वीडियोज तो अपलोड करेंगे ऑब्वियसली। उसके बाद आपको जो यहाँ पे करना है आप इस सेकेंड टिक पे क्लिक करोगे, ठीक है, सेकंड पे जो कि है इंटरमीडिएट फीचर्स। यहाँ पर अब क्या होगा,
ये आप पढ़ सकते हो। वीडियोस ओवर 15 मिनट के ऊपर आप 15 मिनट के ऊपर वीडियो अपलोड कर सकते हो, लाइव स्ट्रीम कर सकते हो, और थंबनेल मेन जो है यूट्यूब कस्टम थंबनेल अपने वीडियोस पे लगा सकते हो, यही मेन है ना गाइस। तो हमें ये करना है। और तीसरा फीचर मैं आपको बाद में बताऊंगा, वो अभी आपको ज़रूरत नहीं है। तो इस एलिजिबल के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, एरो के ऑप्शन पर। उसके बाद यहाँ पर आप पढ़ सकते हो वापस क्या क्या होगा। उसके बाद यहाँ पर दिख रहा होगा वेरीफाई फ़ोन नंबर, यहाँ पे आपको वेरीफाई फ़ोन नंबर पे क्लिक करना है। याद रहे आपके उस फ़ोन नंबर पे पहले से दो से ज़्यादा यूट्यूब चैनल ना बनाओ। तो मेरे इस फ़ोन नंबर से बनाया हुआ है, तो मैं आपको ये तो करके नहीं दिखा सकता, लेकिन आपको मैं प्रोसेस बता दूंगा। तो यहाँ पे आपको जो करना है, आपको अपना मोबाइल नंबर जो है फिल कर देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ, तो मैं यहाँ पर फिल करके गेट कोड पर क्लिक करूँगा। गेट कोड, उसके पहले आपको कंट्री सिलेक्ट कर देना होगा। कंट्री सिलेक्ट करने के बाद आपके इस पे जो देख सकते हो गूगल की ओर से एक SMS आएगा, उसमें आपका एक कोड रहेगा 6 डिजिट का, उसको फिल करके आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे आपका फ़ोन नंबर वेरीफाइड हो जाएगा, आपको मैसेज आ जाएगा कि कॉन्ग्रेचुलेशन योर फ़ोन नंबर हैज़ नाउ बिन वेरीफाइड। आपका चैनल बन गया, वेरीफाइड हो गया, प्रोफेशनल तरीके से आपका चैनल बन गया। बाकी का कस्टमाइजेशन मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। गाइस अब देख सकते हो, या आप अब क्रोम ब्राउज़र में आके देख सकते हो कि मेरा जो ये वाला है ना, ये एलिजिबल हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हो दूसरा वाला भी इनेबल्ड हो गया। अब तीसरा वाला इनेबल करने के लिए मैं आपको बाद में वीडियो ला दूंगा बताया, तो ये कर लेना। और तीसरा वाला भी आप कर लोगे तो आपका चैनल पूरी तरीके से सिक्योर और वेरीफाई हो जाएगा। तो गाइस ये सब करके आप वीडियोज़ अपलोड करना स्टार्ट कर दो, बाकी के सब आप बाद में मैं सिखा दूंगा। तो गाइस वीडियो यहीं तक था, कैसे लगे वो कमेंट करके बताना। अगर थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव मतलब कुछ भी सीखा आपने इस वीडियो से तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब तो करके जाना, पास वाला बेल आइकन भी, घंटी को भी दबा देना। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, इस पर मैं आपको कुछ और भी सिखाऊँ। तो गाइस तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।